इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। पुरानी पेंशन पर भूपेश बघेल की नई रणनीति, कहा केंद्र सरकार लगा रही है अड़ंगा, हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं, लागू करके रहेंगे। इस जमा राशि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 17,240 करोड़ रुपए बनता है। राजस्थान में यह राशि 39,000 करोड़ रुपए से अधिक है। दोनों राज्यों ने केंद्र से यह राशि वापस मांगी। केंद्र सरकार की संस्था पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके एक में वापसी का प्रावधान ही नहीं है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान का अंशदान केंद्र सरकार ने फंसाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा आदि का हवाला देकर 9 मार्च 2022 को पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा की थी। उससे पहले राजस्थान सरकार यह योजना लागू कर चुकी थी। बाद में इस योजना को राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर दिया गया। इसी के साथ नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन हो रही 10% की कटौती भी बंद हो गई। बाद में नई योजना के अंशदान का हिसाब हुआ तो पता चला कि राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान 11,850 करोड़ रुपए कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान के तौर पर जमा किया है। हिमाचल में छत्तीसगढ़ जैसी पेंशन का वादा। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। वहां पत्रकारों ने पूछा कि केंद्र सरकार के असहयोग के बाद भी यह योजना कैसे लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नई पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों से व्यक्तिगत एग्रीमेंट कर अंशदान जमा कराया था। हम भी कर्मचारियों के साथ एग्रीमेंट करेंगे, पुरानी पेंशन योजना के तहत उनका खाता भी खुलवाएंगे। नई पेंशन योजना के तहत कोई कटौती नहीं होगी। सेवानिवृत्ति पर पेंशन की पूरी गारंटी होगी। सेवानिवृत्ति पर मूल वेतन का 50% पेंशन बनेगी। मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान होगा। HR ब्रेकिंग न्यूज डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिमला में कहा, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू की है। वहां केंद्र सरकार ने नई योजना के अंशदान के तौर पर जमा राशि को वापस देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा, वह राशि 17,000 करोड़ रुपए से अधिक है जो छत्तीसगढ़ सरकार और वहां के 3 लाख अधिकारियों कर्मचारियों के अंशदान के तौर पर जमा है। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि हमने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, इसलिए वह पैसा हमें वापस कर दिया जाए। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन इसका कारण नहीं बताया है। उनको कारण तो बताना होगा। हम फिर से पत्राचार करेंगे। नई पेंशन स्कीम के तहत तो कर्मचारियों के साथ उनका व्यक्तिगत एग्रीमेंट हुआ है, उसी के तहत राजस्थान में कर्मचारियों ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया है।